बरेली भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष सतविंदर सिंह काहलो के नेतृत्व में मंडल आयुक्त के कार्यालय में ज्ञापन दिया और किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान ब्याज सहित करवाया जाए, फसल को नुकसान पहुंचा रहे आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए, नहरों की सफाई करके खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग द्वारा अवैध कटौती भी की जा रही है, पीलीभीत में रिजर्व टाइगर जंगल के अधिकारियों की लापरवाही से टाइगर जंगल से निकलकर खेतों और बस्तियों में घूम रहे हैं, जिससे अनेक जनमानस की हानि भी हुई है, जंगल की उचित तार फेंसिंग की जाए, पेट्रोल पंप पर घटतौली रोकी जाए, मंडल में अवैध खनन पर रोक लगाई जाए, जनपद पीलीभीत में शारदा नदी में बरसात के दिनों में भारी कटान होता है जिस कारण किसानों की जमीन और मकान नदी में समा जाते हैं, उसकी कोई उचित व्यवस्था की जाए, मंडियों में कृषक विश्राम गृह हैं, उनकी हालत बहुत खस्ता और जर्जर है, बदायूं जनपद के उघैती बिजली घर में ना के बराबर बिजली मिलती है जिससे वहां के रहने वालों को बिजली संकट का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम सतविंदर सिंह कहलो है। संगठन तो हमारा मेन संगठन है भारतीय किसान यूनिट टिकैत, उसी से आए हैं, उसी के सब हम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, लोग किसान भाई हैं। मांगे मांगे आवारा पशु उजाड़ रहे हैं, फसलें जंगली जानवर फसलें उजाड़ रहे हैं, धान गन्ने का मुद्दा है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, धान की गड़ाई आने वाली है, किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है इस समय, बिजली की अवैध कटौती है, मीटर नलकूपों पर मीटर लगाए जा रहे हैं, इसी का विरोध है हम लोगों का। अभी जाएंगे कमिश्नर साहबा का यहाँ, उन्हें देंगे अपन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।